अपने हंसेंगे सब। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबनेटिक में सर्विस के अंदर क्लस्टर आईपी एंड हेडलेस के बीच में डिफरेंशिएट क्या है। तो क्यूबनेटिक के अंदर अगर सर्विस के अंदर क्लस्टर आईपी और हेडलेस सर्विस के डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्यूबनेटिक क्लस्टर आईपी एंड हेडलेस आप सभी को पता हो। क्यूबनेटिक ठीक है, तो क्लस्टर आईपी आप कहाँ यूज करोगे, हेडलेस कहाँ यूज करोगे ये समझते हैं सबसे पहले। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर क्या कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट कर रहे हो ठीक है, और डिप्लॉयमेंट अगर आपका फ्रंट एंड है, क्या है फ्रंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो 100% है आप क्लस्टर आईपी ही यूज करोगे। क्या यूज करोगे, क्लस्टर आईपी ही आप यूज करोगे। और अगर आप डेटाबेस जैसा डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, क्या डेटाबेस डिप्लॉयमेंट अगर कर रहे हो, डीबी डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हो तो 100% है वहां पर आप क्या यूज करोगे, हेडलेस। क्या यूज करोगे, हेडलेस। तो क्लस्टर आईपी कैसे काम करता है, हेडलेस कैसे काम करता है, ये तो मैं भी आपको क्लियरिफाई करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसका यूज केस क्या है कि क्लस्टर आईपी कहाँ यूज होगा, जहां पर आपका फ्रंट एंड जैसी एप्लीकेशन है या बैक एंड की कोई एपीआई जैसी एप्लीकेशन है वहां आप क्लस्टर आईपी यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका डेटाबेस डिप्लॉयमेंट अगर आप कर रहे हो तो वहां पर आप हेडलेस यूज करो। दोनों को समझाता हूँ इनकी वर्किंग स्टाइल क्या है। क्लस्टर आईपी का मतलब क्या हो गया, लोड बैलेंस। हेडलेस का मतलब क्या हुआ, विदाउट लोड बैलेंस। तो मान लो अगर यहां पर मैंने एक डिप्लॉयमेंट किया फ्रंट एंड और ये मेरे पॉड है ठीक है, ये मेरे पॉड है, फॉर एग्जाम्पल चार पॉड है, यहां पे भी आपके पास डेटाबेस के भी चार पॉड है, डेटाबेस के भी आपके चार पॉड है। अब इस पॉड की आईपी मान लो आपकी है 10.100.0.10, इस पॉड की आईपी क्या है 10.100.0.11, इस पॉड की आईपी क्या है 10.100.0.12, इस पॉड की आईपी क्या है 10.100.0.18, इस पॉड की आईपी मान लो 10.100.0.14, इस पॉड की आईपी आप मान लो 10.100.0.15, इस पॉड की आईपी आप मान लो 10.100.100.16, इस पॉड की आईपी आप मान लो 10.100.0.17। इन सारे पॉड के अंदर क्या है आपका कंटेनर है, क्या है कंटेनर, क्या है कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर आपने जो एप्लीकेशन लोड किया है वो फ्रंट एंड है, इतना तो आप लोग समझते होंगे फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस क्या होता है, थ्री टीयर आर्किटेक्चर आपको पता ही होगा। अगर ये सारी चीजें नहीं पता तो पहले इन चीजों को क्लियर करिए जाके। तो यहाँ पे फ्रंट एंड चल रही है और ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो आपने बनाया है तो ये है आपका डिप्लॉयमेंट रिसोर्स। आप सभी को पता है जब हम लोग डिप्लॉयमेंट बनाते हैं तो बैकएंड में क्या बनता है आपका, क्लस्टर आईपी, क्या बनता है आपका क्लस्टर आईपी, सॉरी रेप्लिका सेट, क्या बनता है रेप्लिका सेट, और रेप्लिका सेट पॉड का कंट्रोलर है तो रेप्लिका सेट क्या करेगा सारे पॉड को कंट्रोल करेगा। लेकिन जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, क्लस्टर आईपी। तो इसीलिए हम लोग क्लस्टर आईपी को क्या बोलते हैं, लोड बैलेंसर। किसका लोड बैलेंसर है, पॉड का। तो कोई भी ट्रैफिक सबसे पहले कहां पे आएगी, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपने क्लस्टर आईपी के ऊपर नोड पोर्ट है, नोड पोर्ट के ऊपर लोड बैलेंसर है, नोड बैलेंसर है आगे डीएनएस है, वो आगे लेवल की बात है।
हालांकि ट्रैफिक जब आएगी तो डीएनएस पे आएगी, डीएनएस से लोड बैलेंसर से नोड पोर्ट, लेकिन नोड पोर्ट से कहाँ जाएगी? क्लस्टर आईपी। तो जब ट्रैफिक क्लस्टर आईपी पे आएगी तो क्लस्टर आईपी क्या करेगा? देखेगा कि उसके बैकएंड में कितने पॉड है। देखा उसने 4 पॉड है, अब वो राउंड रॉबिन में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? राउंड रॉबिन में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट, एक ट्रैफिक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा। अगर कोई पॉड हेल्दी नहीं है तो उसे ट्रैफिक नहीं देगा। तो इसका मतलब ये पॉड लेबल एक प्रकार से लोड, ठीक है। तो अगर मेरी फ्रंट एंड जैसी कोई एप्लीकेशन है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे पॉड में सेम एप्लीकेशन है। ट्रैफिक इस पॉड पे आए या इस पॉड पे आए, क्योंकि प्रोसेस होना है, इधर भी प्रोसेस होगा, इधर भी प्रोसेस होगा, इधर भी प्रोसेस होगा, इधर भी प्रोसेस, बैकएंड में स्टोरेज होगा, सारा चीज वहां जाके स्टोर होगा। तो जब भी आप कंपनी के अंदर फ्रंट एंड जैसी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं तो आप क्लस्टर आईपी यूज करेंगे। लेकिन अगर डेटाबेस के केस में, अगर डेटाबेस के केस में भी अगर आपने क्लस्टर आईपी लगा दिया तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे डेटाबेस डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा डेटाबेस पॉड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? क्लस्टर आईपी। तो क्या होगा? तो क्लस्टर आईपी पे जब कोई ट्रैफिक आएगी तो क्लस्टर आईपी क्या करेगा? एक पहली ट्रैफिक इसको भेजेगा, दूसरी ट्रैफिक क्या करेगा? इस पॉड को भेजेगा। तो मान लो अगर ऐसा होता है कि एक कस्टमर की ट्रैफिक क्लस्टर आईपी पे आई, उसने ट्रैफिक यहाँ भेज दिया, अब यहाँ पर राइट हो रहा है, अब एकदम से अलग कस्टमर ने, कस्टमर की ट्राफिक क्लस्टर आईपी पे आई और उसने इस पे भेज दिया, अब सेम टाइम पर यहाँ राइट हो रहा है एक कस्टमर और एक कस्टमर यहाँ पे डिलीट कर रहा है, तो क्या होगा? कंफ्लिक्ट हो जाएगा, राइट। तो डेटाबेस के केस में परफेक्ट नहीं है। देखो जहाँ प्रोसेसिंग जैसी एप्लीकेशन चल रही है वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्रोसेस, क्योंकि डेटा तो राइट होना नहीं, प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर। लेकिन डेटाबेस के सिनारियों में ऐसा नहीं होता। डेटाबेस के सिनारियों में क्या होता है? एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट। क्या होता है? एक्टिव पैसिव मतलब सारी चीजें यहां पे आनी चाहिए, जब ये डाउन हो तो यहां जाना, लाइक दिस। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो ऐसे सिनारियों में हम लोग क्लस्टर आईपी ना यूज करके हेडलेस यूज करते। क्या यूज करते हैं? हेडलेस। तो हेडलेस के केस में क्या होता है कि आपको ना एक क्लस्टर आईपी मिलती ही नहीं है। क्या क्लस्टर आईपी आपको मिलता ही नहीं है हेडलेस के केस में? क्या होता है? विदाउट क्लस्टर आईपी। तो ठीक है भाई, विदाउट क्लस्टर आईपी है तो फिर आगे काम कैसे चलेगा, कनेक्शन कैसे बनेगा? क्योंकि आप कहते हो कि क्लस्टर आईपी, क्योंकि ये जो पॉड है, कल को ये पॉड किसी भी प्रॉब्लम से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा पॉड आएगा तो कनेक्शन कैसे बनेगा? एक सवाल यहां पर आता है। तो आप सभी को पता है कि सर्विस के ऊपर लोड बैलेंस, सर्विस के ऊपर क्या चल रहा होता है? डीएनएस। क्या चल रहा होता है? डीएनएस। सर्विस के ऊपर आपका डीएनएस का कंसेप्ट। तो इसका मतलब होता है कि आपके बैकएंड में जो पॉड होते हैं उसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट डीएनएस से बनता है। क्या बनता है? डायरेक्ट डीएनएस से। कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां आओ, पहले आपने क्लस्टर आईपी बनाई तो आप सभी को पता है कि क्लस्टर आईपी आपने जब बनाई तो क्लस्टर आईपी का नाम आपने मान लो रख दिया फ्रंट एंड। तो कोर डीएनएस नाम की सर्विस चलती है, तो एंट्री किस टाइप से हो जाती है? ऑटोमेटिक। डीएनएस के अंदर आपको पता होना चाहिए फ्रंट एंड डॉट, जिस नेम स्पेस के अंदर बनाया वो नेम स्पेस का नाम, और SVC डॉट क्लस्टर डॉट लोग, ऐसे ही बनता है एंट्री, राइट। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर एंट्री किस टाइप से बनेगी? मान लो आपने ये हेडलेस आपने बनाया, सर्विस बनाई जिसका टाइप आपने हेडलेस रखा, तो डेफिनेटली इसका नाम भी आपने रखा होगा। तो मान लो हमने इसका नाम रख दिया डेटाबेस सर्विस, लाइक दिस। इसकी डीएनएस एंट्री किस टाइप से होगी? इसकी डीएनएस एंट्री होगी, इसकी डीएनएस एंट्री होगी डाटाबेस हाइफन सर्विस डॉट नेम स्पेस डॉट SVC डॉट क्लस्टर डॉट लोकल, इस टाइप से एंट्री ऊपर लिख देते, ठीक है। अब देखो यहां पर हेडलेस क्यों रखा गया, मैं आपको बताता हूं। हालांकि डीएनएस तो देखो यहाँ पे चाहिए, यहाँ भी चाहिए, डीएनएस क्यों चाहिए मैंने आपको पहले भी बताया, बट इस टॉपिक में मेरा ये टॉपिक डीएनएस का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ।
डीएनएस हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ये जो क्लस्टर आईपी है, इस जब आपने क्रिएट किया तो इसको एक आईपी मिली होगी। कल को बाई मिस्टेक अगर आप से क्लस्टर आईपी डिलीट हो जाती है और आप दोबारा रिक्रिएट करोगे तो डिफरेंट आईपी मिलेगी। और मान लो एक क्लस्टर आईपी आगे आपने कहीं पे इंटीग्रेट कर रखा है, मान लो आपने क्लस्टर आईपी बनाया और इसको एक आईपी मिल गई, जैसे मान लो आईपी मिल गई 100.10.0, ये आईपी मिल गई। अब आपने इस डिप्लॉयमेंट की क्लस्टर आईपी बनाई और आपने इसको आगे फर्दर किसी डिपार्टमेंट वाले को इंटीग्रेट करने के लिए यूज दे दिया कि भाई आप अगर मेरे इस डिप्लॉयमेंट से कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आप इस आईपी को यूज करो, और उसने इस आईपी को ले जाके अपने साथ एपीआई में इंटीग्रेट कर लिया। अब उसको पता है कि भाई ये तो फिक्स होती है, लेकिन कल को बाई मिस्टेक मेरी कोई गलती से ये क्लस्टर आईपी डिलीट हो गई और मैं जब दोबारा बना रहा हूँ तो ये आईपी नहीं होगी, दूसरी आईपी आएगी। जब दूसरी आईपी आएगी तो मुझे उस डिपार्टमेंट वाले को बोलना पड़ेगा कि आईपी को चेंज करो। तो यार मैंने मिस्टेक किया तो मैं सामने डिपार्टमेंट वाले को क्यों डिस्टर्ब करूँ। तो इसीलिए डीएनएस का कंसेप्ट चलता है कि जब भी आप क्लस्टर आईपी बना रहे हैं तो आपको पता है कि डीएनएस में आपकी एंट्री हो जाती है और इस टाइप से आपको नाम मिलता है, तो आप ये नाम आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करो इंटीग्रेशन के लिए आपके साथ। तो उससे कल को क्या होगा कि जब आप क्लस्टर आईपी बनाते हो तो उसका नाम ये आता है और नेम स्पेस होता है जिस नेम स्पेस में आपने बनाया, और आगे svc.cluster.local ये सेम होता है, चेंज नहीं होता। तो कहा जाता है कि ये डीएनएस नेम आप इंटीग्रेशन के लिए दो, तो इससे बेनिफिट ये कि कल को आपसे बाई मिस्टेक से क्लस्टर आईपी डिलीट भी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, आईपी आप मत दीजिए उनको, आप ये नाम दिया है आपने, तो कल को मैं दोबारा क्लस्टर आईपी बनाऊंगा और सेम नाम से बनाऊंगा, सेम नेम स्पेस के अंदर बनाऊंगा, तो उसका नेम एज इट इज यही आएगा। तो हाँ, तो मुझे बार बार फ्रंट जो डिपार्टमेंट है आगे वाला उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार आईपी चेंज हो गई, क्योंकि वो तो नेम से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। तो इसलिए डीएनएस का यहाँ पर यूज किया है, लेकिन डीएनएस पर ट्रैफिक आती है, डीएनएस क्या करेगा ट्रांसलेट करके क्लस्टर आईपी को अभी भी देगी, क्लस्टर आईपी क्या करेगा राउंड रॉबिन में ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। लेकिन डेटाबेस के केस में क्या है, डेटाबेस के केस में यहाँ पर है, आपने बोला कि ठीक है भाई यहाँ पर तो क्लस्टर आईपी मिलती ही नहीं है, तो फिर ये हेडलेस भी आप क्यों कर रहे हो? तो मैं आपको बता देता हूँ हेडलेस हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बात बताओ, जब आप सर्विस बनाओगे तो सर्विस के अकॉर्डिंग ही डीएनएस में एंट्री होती है। क्या बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सर्विस जब आप बनाते हो तो सर्विस के अकॉर्डिंग ही डीएनएस में एंट्री होती है। तो मान लो यहाँ पर हेडलेस आपने सर्विस बनाई, सर्विस कड़े आपने क्लस्टर आईपी नहीं रखा, मतलब कोई आईपी मिली नहीं है, हेडलेस मतलब कोई आईपी नहीं मिली है, तो आप बोलोगे ठीक है भाई ये हेडलेस ही क्यों बना, इसको हटा दो ना, सीधे डीएनएस से कनेक्शन रख देते हैं। दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा ना आप लोगों के कि भाई यहाँ पे तो ठीक है भाई क्लस्टर आईपी आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि लोड बैलेंसिंग करानी है। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पर तो हेडलेस के केस में कोई आईपी मिलती नहीं है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर क्यों चल रहा है, इसको साइड करके बाहर फेंको। मैं आपको बता देता हूँ, अब इसको बीच में इसलिए रखा गया है क्योंकि जब हम लोग सर्विस क्रिएट करेंगे, सर्विस का टाइप हेडलेस रखेंगे, तो तब जाकर हमें एक वर्चुअल नेम हम असाइन करते हैं, जैसे ये नेम हम असाइन करेंगे तो इस नेम के अकॉर्डिंग डीएनएस एंट्री करता है। तो अगर ये बीच में ये सर्विस आई नहीं, अगर ये रिसोर्स अगर यूज ही नहीं किया, तो ये डीएनएस को कैसे पता लगेगा क्या नेम जनरेट करना है? तो एक प्रकार से एक आप लाइक एक कमांड दे रहे हो कि भाई डीएनएस में एंट्री कर ले इस टाइप से। तो जब मैंने सर्विस बनाई, सर्विस का टाइप मैंने क्या रखा, हेडलेस, मैंने नाम क्या दिया डेटाबेस हाइफन सर्विस, तो डीएनएस में एंट्री होगी डेटाबेस हाइफन सर्विस डॉट डिफॉल्ट डॉट एसबीसी डॉट क्लस्टर डॉट लोकल। तो डीएनएस क्या करेगा, डीएनएस बोलेगा कि मेरे, अब डीएनएस बोलेगा कि ठीक है, देखेगा कि बैकेंड में ये जो सर्विस आप बनी है वो डेफिनेटली ये किसी डिप्लॉयमेंट का बना होगा, तो किस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो पॉड है उन सारे पॉड के साथ कनेक्शन बना लेगा, इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा। तो डायरेक्ट डीएनएस से कनेक्शन यहां पर है, मतलब डीएनएस ने क्या किया, सारे पॉड की आईपी इस नाम के अगेंस्ट एंट्री कर लिया, और यहां पर कोई क्लस्टर आईपी है नहीं कि लोड बैलेंसिंग यहां पर होगी लाइक राउंड रॉबिन में, वो इसे भी ट्रैफिक देगा, इसे भी ट्रैफिक देगा, इसे भी ट्रैफिक देगा, इसे भी ट्रैफिक। अब यहां पर देखो एक चीज और समझता हूं, लेकिन कभी भी जब हम लोग हेडलेस सर्विस यूज करते हैं, राइट, तो हम लोग जो अपनी डेटाबेस सेटअप करने जाएंगे तो वहां पर डिप्लॉयमेंट हम लोग कंसेप्ट यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हेडलेस जो है वो डिप्लॉयमेंट के साथ, हालांकि आप सेटअप करोगे हो तो जाएगा, बट उसका यूजफुल आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर ये चारों पॉड की आईपी इसके साथ इंटीग्रेट हो गई, इस नाम पे मानोगे तो ट्राफिक इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, तो फिर आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा कि यार यहाँ ये हो तो वही रहा है जो यहाँ पे हो रहा था। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग डेटाबेस जैसी चीजें सेटअप करते हैं तो हम लोग यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कंसेप्ट ना यूज करके क्या यूज करते हैं, स्टेटफुल सेट, क्या यूज करते हैं, स्टेटफुल सेट। तो स्टेटफुल सेट के केस में क्या होता है कि फिर वो बैकेंड में चार पॉड तो रहेंगे लेकिन वो एक्टिव एक ही पॉड को रखेगा, बाकी को पैसिव मोड में रखेगा। तो स्टेटफुल सेट
के साथ आप हेडलेस यूज करते हो तो आपको यूजफुल दिखाई दे। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? तो ये मेजर डिफरेंस है क्लच टाइप में, हेडलेस में। इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये रहा मेरा क्लस्टर। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहां पर एक डिप्लॉयमेंट बनाया क्यूब सीटीएल, क्रिएट डिप्लॉय। एक डिप्लॉयमेंट का नाम मैंने रख दिया क्लस्टर आईपी आईफन आईफन इमेज इज इक्वल टू एनजिनिक्स, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, क्यूब सीटीएल स्केल डिप्लॉय नाम क्लस्टर आईपी आईफन आईफन रेप्लिकास इक्वल टू टू। और एक और डिप्लॉयमेंट बनाता हूँ, क्रिएट डिप्लॉय आई हेडलेस आईफन आईफन इमेज इक्वल टू एंजिनिक्स। मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल स्केल डिप्लॉय हेडलेस आईफन आईफन रेप्लिकास इक्वल टू क्यूब सीटीएल गेट डिप्लॉय, ठीक है। और मेरे पास पॉड है, गेट पॉड। और मैं पॉड के अंदर चलता हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट होना चाहिए। क्यू सी टी एल ई एक्स सी सी हाइफन आई टी हाइफन बिन बैस मैं आ गया यूएसआर फेयर एंजिनिक्स एच टी एम के अंदर। और यहाँ पे मैंने कंटेंट क्या डाल दिया, वेलकम टू प्लस आई फे 41 इंजेक्ट डॉट एच टी एम, ठीक हो गया। बाहर आया मैं वापस, अब दूसरे बोर्ड पे चलता हूँ। HTML वेलकम टू क्लस्टर आईपी पोर्ट टू, बाहर आया। अब मैं चलता हूँ हेडलेस वाले पॉड में, क्यू सी टी एल ई एक्स सी सी हाइफन आई टी वेलकम टू हेडलेस सर्विस बहुत बार। सेकेंड ये हो गया। चल अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर इनकी सर्विस बनाता हूँ
दोनों डिप्लॉयमेंट के, एक डिप्लॉयमेंट की सर्विस का टाइप क्लस्टर आईपी, एक का एड्रेस रखूंगा। तो केज क्यूबसिटियल गेट डिप्लॉयमेंट, और मैंने इसकी यामल फाइल पहले से रखी है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर नाम क्लस्टर आईपी है और लेबल सिलेक्टर यहाँ पे मुझे मैच कराना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ लेबल क्या है, क्यूबसिटियल गेट पॉड हाइफन एस एस ओ हाइफन लेबल, क्या लेबल है क्लस्टर आईपी वाले का, क्या है ऐप क्लस्टर आईपी, इसका हेडलेस है। तो यहाँ चले और यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया क्लस्टर आईपी, और ये हो गया आपका देखो रिसीव करने वाला पोर्ट नंबर और टारगेट पोर्ट। तो टारगेट पोर्ट का मतलब हुआ पोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है किस पोर्ट पे चल रही है। तो पोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है अभी फिलहाल एंजिनिक्स चल रही है और एंजिनिक्स 80 पोर्ट पे काम कर रहा है, तो मैंने 80 ही कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कमांड मारा क्यूब सी टी एल क्रिएट माइनस एफ क्लस्टर आई पी क्यूब सी टी एल गेट सर्विस। तो ये देखो मेरे पास सर आईपी आ गई, ठीक है, आ गई आईपी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक डीबगिंग वाला एनएस लुकअप वाला एक पॉड सेटअप करता हूँ, डीबगिंग डीएनएस, जिसके अंदर डीएनएस से कमांड वगैरह चल जाए। तो ये मैंने एक पॉड सेटअप किया, इस पॉड के अंदर जाके डीएनएस लुकअप जैसी कमांड एक्सिक्यूट करूंगा, ठीक है, इस सर्विस के अगेंस्ट। तो ये पहले बन जाए क्यूबसीटीएल गेट एसवीसी क्यूबसीटीएल गेट पॉड क्यूबसीटीएल ईएक्सीसी हाइफन आईटी डीएनएस यूटिल्स हाइफन हाइफन पिन एसएच। तो यहां मैंने क्या कमांड मारा, एनएस लुकअप, सॉरी एनएस लुकअप, और ये तो देखो डीएनएस में इसने एंट्री किस टाइप से किया है मुझे बताएगा, ये ऐसे क्लस्टर हाइफन सर्विस डॉट डिफॉल्ट एसवीसी डॉट लो क्लस्टर डॉट लुकअप, और उसके अगेंस्ट आईपी क्या उठाया उसने ये। तो मतलब डीएनएस के अंदर एंट्री क्या हुई है इस नाम के अगेंस्ट, ये आईपी मतलब ये आईपी किसकी है, सर्विस की आईपी, इसके फ्रंट में डीएनएस की एंट्री इस नाम से की गई, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं हेडलेस वाले को क्रिएट करके। तो ये और पहले देख लेता हूं हेडलेस के जो पोर्ट हैं क्यूबसीटीएल गेट पॉड हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल्स क्या है, हेडलेस ही है, ठीक हो गया हेडलेस। अब हेडलेस के केस में देखो क्या है, क्लस्टर आईपी टाइप आपको ना नन देना पड़ेगा, अगर आप क्लस्टर आईपी टाइप कुछ नहीं डिफाइन करोगे तो क्लस्टर आईपी बना देगा। जब मैंने नन दिया तो मैंने बोला कि मुझे क्लस्टर आईपी नहीं चाहिए, तब ये हेडलेस बनेगी। हेडलेस के केस में देखो क्या होता है कि जो रिसीवर पोर्ट होता है और टारगेट पोर्ट दोनों सेम होना चाहिए, रिसीवर पोर्ट और टारगेट पोर्ट सेम क्यों होना चाहिए, पोर्ट सेम क्योंकि वो डायरेक्ट पोर्ट के साथ कनेक्शन बनाता है, बीच में कोई आईपी तो है नहीं, पहले ट्रैफिक इस आईपी के इस पोर्ट पे आए फिर इधर जाए, है ना। यहाँ पे क्लस्टर आईपी के केस में देखो आईपी मिली है तो आप बताते हो कि इस आईपी के इस पोर्ट पे आए 80 पोर्ट पे, फिर टारगेट पोर्ट आपका ये है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट टारगेट पोर्ट ही है, तो दोनों पोर्ट आपका सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि अभी तो मेरे पास इंजीनियरिंग चल रही है, तो मैंने यहाँ क्या किया 80 और यहाँ भी क्या किया 80। अब देखना थोड़ा सा डिफरेंस जो है अब आपको क्लियर होगा। तो अब मैंने यहाँ पर क्रिएट किया क्या, क्यूब सी टी एल क्रिएट माइनस एफ हेडलेस बन गई मेरी क्यूब सी टी एल गेट एस बी सी करूंगा, तो यहाँ देखो नन आ रहा है, कोई आईपी मुझे यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन जब मैं यहाँ पर करता हूँ डिस्क्राइब एस बी सी हेडलेस, तो यहाँ देखो दोनों पॉड पैकेट में आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार डीएनएस यूटिल्स के अंदर जाता हूँ इस वाले में, अब मैं आपको यहाँ पर एनएस
लुकअप करूंगा, क्या करूंगा, एनएस लुकअप, और इस बार इसको लुकअप करता हूं तो आपको देखो क्या देखने को मिलेगा। देखो बैकएंड के दोनों पॉड की आईपी, सेम नाम के साथ पॉड वन की आईपी की भी एंट्री है, सेम नाम के साथ पॉड टू की भी आईपी की एंट्री है। मजा रही? लेकिन अगर मैं एनएस लुकअप करूं किसको, तो इसने क्लस्टर आईपी की एंट्री की है, लेकिन हेडलेस के केस में क्लस्टर आईपी तो है नहीं, तो हेडलेस के केस में क्या है, डायरेक्ट पॉड है। तो अभी मेरे पास दो पॉड है, अगर मान लो यहां पर चार पॉड हो मेरे पास होते तो चारों पॉड की एंट्री इस नाम के अगेंस्ट होती। समझ आ रही है? देखो है ना यहां पर, अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहां पे कर्ल किया इसको, हेडलेस वाली है, कर्ल करता हूं, ट्रैफिक देखो पॉड वन पे गई, पॉड टू पे, पॉड वन पे और टू दोनों पे जा रही है। अभी वन और टू दोनों पे क्यों जा रही है, क्योंकि अभी हम डीएनएस को हिट कर रहे हैं, तो डीएनएस क्या बोलता है कि मेरे पास इसकी भी एंट्री, इसकी भी एंट्री। मैंने डीएनएस का बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या होता है, एक ट्रैफिक इसको भेजना, एक ट्रैफिक इसको भेजना। मैं चाहता हूँ यार फिर यूज केस क्या हो गया, तो यहाँ पर अभी देखो मैं डिप्लॉयमेंट यूज किया हूँ, तो डिप्लॉयमेंट क्या कहता है कि मैं फिक्स नहीं करता, अगर मैं यहाँ पे स्टेटफुल सेट यूज करता तो फिर मुझे साफ साफ पता लगता कि एक पॉड पे ट्रैफिक जाती है, जब एक पॉड डाउन होता तब दूसरे पॉड पर ट्रैफिक जाती है, तो मुझे स्टेटफुल सेट को साथ में लगाकर ही हेडलेस यूज आपको समझ आता है। बट अभी तो हम लोग सिर्फ हेडलेस के डिफरेंस को देख रहे थे, तो यहाँ पर हेडलेस के डिफरेंस हमें क्या देखा, जब हमने डीएनएस एनएस लुकअप मारा इस नाम को, तो इसने बताया कि मैं तो एंट्री इसकी करके बैठा हूँ, लेकिन जब हमने एनएस लुकअप इसको मारा तो यहाँ पर कोई सर्विस थी नहीं, तो बैकेंड में जो पॉड थे उन्हें सारे पॉड की एंट्री अपने साथ कर ली। समझ आ गई? तो अभी दो पॉट थे, दोनों की एंट्री के लिए चार होते, चारों दिखते, आप करके देखना घर में, आपको दिखाई देगी। क्लियर? तो होप है कि आप लोगों को ये हेडलेस एंड क्लस्टर आईपी समझ आया होगा। इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर करिए अपने टीम के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, और अगर किसी को भी क्यूबनेटिस में मास्टरी करना है, फुल क्यूबनेटिस रीच करना है, तो नया बैच मेरा स्टार्ट होने जा रहा है कमिंग मंडे से, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के भी टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।